Okay, so I had been planning to make a video about this trilogy for last few months. I've finally sat down to do it. This is my video about the greatest sci-fi trilogy that I've ever read. And you guys know the name of the book. It is Three Body Problem. And I'm going to talk about the Three Body Problem trilogy. Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Kitabi Cabins. यार ये तीन किताबें हैं, डेथ सेंड, द डार्क फॉरेस्ट एंड थ्री बॉडी प्रॉब्लम. ब्यूटिफुल कवर सेट. ये डेथ सेंड है, ये थर्ड पार्ट है, ये डार्क फॉरेस्ट है, ये सेकंड पार्ट है, एंड दिस इज थ्री बॉडी प्रॉब्लम. काफ़ी अच्छी किताबें हैं ये, मैं आपको बताता हूँ. ये वानी ने बुक मंच में उठाई थी फॉर द मंथ ऑफ फेब. मैंने थ्री बॉडी प्रॉब्लम जैन में ख़त्म कर दी थी और मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया वानी को, प्लीज़ पिक इट अप फॉर अ बुक अ मंथ, प्लीज़ पिक इट अप फॉर अ बुक अ मंथ, एंड वी फाइनली डिड दैट. तो जब आप सब चलचित्र टॉक्स पे थ्री बॉडी प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, तब मैं इसका सेकेंड पार्ट पढ़ रहा था, द डार्क फॉरेस्ट. यार बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ साइफाई है ये हार्ड कोर साइफाई. इससे पहले मैंने साइंस फिक्शन से ज़्यादा साइंस फैंटेसी पढ़ा है, जो रे ब्रैडबरी यूनिवर्स है, जो टैलो कैल्विनो यूनिवर्स है, वेयर यू कैन चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. तो वो फैंटेसी जोन में ज्यादा चला जाता है, जो मेरे को इक्वली पसंद है. बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने इतना हार्ड कोर साइफाई पढ़ा एंड आई थरली एंजॉयड इट. थ्री बॉडी प्रॉब्लम इज रिटन बाय शिजन लू. ये एक चाइनीज ऑथर है. ये हमारे चैनल्स पे श्रेया धनवंतरी एंड रोहन जोशी ने भी ये किताबें रेकमेंड की हैं. एंड आई रिमेम्बर द मोमेंट आई फिनिश्ड रीडिंग द डार्क फॉरेस्ट, आई मैसेज्ड रोहन जोशी कि आपने ये क्या रेकमेंड कर दिया. एंड इज लाइक हा 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 मजा आया, बिकॉज दीज आर द बुक्स दैट डू दैट टू यू. इन बुक्स के ऊपर एक टीवी सीरीज भी बन रही है एंड इट इज बींग मेड बाय द क्रिएटर्स ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स. घबराने की बात नहीं है क्योंकि इस बार तीनों बुक्स आ चुकी हैं. सो आई थिंक द क्रिएटर्स ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स डीबी वाइस एंड डेविड बेनियॉफ, वो थोड़ा तब घबरा जाते हैं जब उनके पास स्क्रीन प्ले खत्म हो जाता है और उनको खुद क्रिएट करना पड़ता है. एंड दे आर आई थिंक वेरी गुड एट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले. सो इन तीनों का स्क्रीन प्ले दे आर अडैप्टिंग एंड अ नेटफ्लिक्स शो इज कमिंग. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ये तीनों बुक्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है. थ्री बॉडी प्रॉब्लम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डार्क फॉरेस्ट. डार्क फॉरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डेथ सेंड. ह्यूमन लेवल पे बातें चालू होती है, माइक्रो लेवल पे, देन यू गो मैक्रो, देन इसका स्केल बढ़ता जाता है. तो मान लीजिए अगर आप एक कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, हो सकता है यू माइट suddenly stop hearing about that character. Not particularly because they'll die. It's just in the larger scheme of things, they are irrelevant. क्योंकि इसमें earth से, solar system से, galaxy level पे बातें हुई है. Right? और ये किताब मेरे को बहुत ज़्यादा इसलिए भी पसंद आई क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ओ ये इस बारे में, जो मैं इस वीडियो में भी ट्राई कर रहा हूँ. आई रियली डोंट वॉन्ट टू टेल वॉट दिस बुक इज अबाउट बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सपीरियंस वॉट आई एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ थ्री बॉडी प्रॉब्लम. अच्छा ये किताब इस बारे में है, देन यू सी दैट यूनिवर्स kind of in dark forest and that universe expands even more in death sand. jab maine three body problem padhi uske baad laga isse better kuch nahi ho sakta. fir dark forest padh raha tha, maza nahi aa raha tha because it is completely different, iske translator bhi different hai. but dark forest ended up being the favorite among the three books for me. एंड डेथ सेंट की मैं आज भी विजुअल्स के बारे में सोचता हूँ. एंड आई हैव अ टेक्निक ऑफ रीडिंग बुक्स लाइक दिस. मैंने इनफैक्ट तीनों किताबें एक एक साउंड ट्रैक के ऊपर सुनी. सो हाफ लाइफ और पोर्टल जो गेम्स हैं, मैंने उनका साउंड ट्रैक थ्रू आउट द बुक्स पीछे चलाया. एक एक घंटे का उनका एक साउंड ट्रैक है. लैब प्रैक्टिकम हाफ लाइफ 2 का एक साउंड ट्रैक है जिसके ऊपर मैंने पूरी डार्क फॉरेस्ट पढ़ी. फिर पोर्टल एक गेम है, उसका एक साउंड ट्रैक है जो मैंने डेथ सेंट के साथ पढ़ा. आई लाइक एसोसिएटिंग साउंड ट्रैक विद बुक्स बिकॉज मेरे को बड़ा मजा आता है उसमें. मैं जब मैं मुराकामी की काफ्का ऑन द शोर पढ़ रहा था तो अगेन मैं क्लासिकल म्यूजिक के साथ पढ़ रहा था. जब मैं नॉर्वेजियन वुड पढ़ रहा था तो इन द मूड फॉर लव का एक साउंड ट्रैक वो मैं पढ़ रहा था. इट काइंड ऑफ गेट्स यू इन टू द सेल्फ हिप्नोसिस मोड कि अगर आप एक ही गाना अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन पढ़ रहे हो. रे ब्रैडबरी मैंने बहुत सारे एरिक सेटी के म्यूजिक के ऊपर पढ़ा है. इट्स काइंड ऑफ अ हैक विच हैज हेल्प मी अ लॉट टू रीड, क्योंकि आप म्यूजिक को उस यूनिवर्स के साथ एसोसिएट करने लग जाते हो और आप उस यूनिवर्स को उस म्यूजिक के साथ एसोसिएट करने लग जाते हो. एंड मेरे को मिल जाता है वो, लाइक इट्स लाइक फाइंडिंग द राइट ट्रैक फॉर एन एडिट कि हाँ यही है, ये यहाँ बिलोंग करता है, ये इस सिटी का पार्ट है, ये इस कल्चर का पार्ट है. एंड देन इट हेल्प्स मी गेट कम्प्लीटली इनग्रॉस्ड इन दैट यूनिवर्स. तो मेरे को ये एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है, आप भी कर सकते हैं. अगेन दिस इज अ नो स्पॉइलर
recommendation video and a review of Three Body Problem Trilogy because I still don't want to talk about it. I think there are a lot of streamers. अभी मैं Dr. Sid Warrior के साथ भी एक stream कर रहा था जहाँ पे उन्होंने कहा था इसके ऊपर हम एक stream करेंगे. तो maybe तब मैं spoiler territory में जा सकता हूँ. But right now the imagery, the mind expansion that this book series has provided to me, I just think I have accomplished a lot because of it in 2022. And I just wish you guys also experienced the emotions I experienced while reading Three Body Problem Trilogy. आराम से पढ़िए, 2-3 महीने की जर्नी होगी ये. एंड जल्दबाजी मत कीजिए इसके साथ. हर बुक को पढ़ने के लिए एटलीस्ट 2 हफ्ते तो आपको मिनिमम लगेंगे. बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं. बिंज मत कीजिए. ट्राई टू लिव इन दोज मोमेंट्स, लिव इन दोज landscapes, and then maybe message me aapko kaisi lagi. Message us on Chalchitra Talks and tell me if you experience something like that. Bahut rarely mere ko these moments and pockets of stillness milte hain. Ye repositories milti hain jahan pe main wapas ja sakta hu. Aap mein se kuch logo ko pata hoga, the way I love Moneyball, the way I love Ray Bradbury, the way I love electronic music, this is an addition to that library of things that I will keep revisiting. And interestingly, I finished reading all 3 books on Kindle. So I have this again an experiment and a technique I do. जब मैं Kindle पे कोई बहुत interesting चीज़ ख़त्म कर लेता हूँ, I gift myself the paperbacks. And I did it this time also. These 3 books, मैंने ही खुद को gift करी after finishing all the 3 books. तो ये 1500 पेज हैं टोटल. पहली बुक आई थिंक 400 पेजेस की है, दूसरी आई थिंक 500 पेजेस की है, तीसरी आई थिंक 600 पेजेस की है. तो पढ़िए, मेरे को बताइए कैसे लगी. एंड डू टेल अस इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑन किताबी कैबिन्स. ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए जहाँ पे हम डिटेल में बात कर सके चीज़ों की, हमने एक नया चैनल चालू किया है. लेट्स टेक किताबी कैबिन्स टू 10,000 सब्सक्राइबर्स ASAP. इट विल ऑल्सो मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोस. पीछे बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जो अभी आप शायद नहीं देख सकते. मैं हर किताब के ऊपर ऐसे वीडियो बना सकता हूँ. डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ इट एंड आई विल बी बैक विद मोर रिकमेंडेशंस ऑन किताबी कैबिन्स.